समय 5 महीने पहले इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया था जो भ्रष्टाचार की भी चढ़ गया है। पूरी सड़क टूट गई है। नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर उच्चाधिकारियों से मांग किया है कि जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही किया जाए। ब्लॉक के हिलसा गांव में 170 मीटर इंटरलॉकिंग का कार्य ग्राम प्रधान द्वारा लगभग 5 महीने पूर्व कराया गया था। हालात यह है कि जगह जगह सड़क धंस गई है या तो टूटकर ईंट उखड़ गई है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया कि घटिया सामग्री द्वारा कार्य कराया गया है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ग्रामीण चंदन, हरिश्चंद्र विश्वकर्मा, अजित यादव, महाल विश्वकर्मा, प्रवीण, पार्वती देवी, रीता सहित ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर उच्चाधिकारियों से मांग किया है कि जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही करें, जिससे सरकार के पैसों का दोहन न हो सके और सरकारी कार्य सही ढंग से। मैं चाहता हूं कि तो नीचे से रोड दीवार खड़ा किया जाए और जो है कि रोड फिर से बनाया जाए, खड़ा करके फिर से बनाया। हाँ। कैसे गिरा है? गिरा है जो है कि इस पे तो असर आएगा नहीं, फूल लेकर जो है कि ठेला पलात के टाली ट्रैक्टर तो आएगा ना, तो टाली ट्रैक्टर से गिरा है। टाली ट्रैक्टर आया था जो है कि अब आरी आरी जो है कि सीमेंट का जो है बालू, उजरका बालू से जोड़ाया हुआ है तो टूटेगा ही। ये है कि इस पर मतलब है कि कागज में तो बन गया लेकिन इस तरीके से नालिये रूम में बनवा दें कि ताकि पानी निकल जाए और ऊपर से फर्श डाल दें कि आदमी आवे जाए। तो क्या प्रधान जी क्या कर रहे हैं? प्रधान जी तो इकाई है बनवा दिया बराबर होगा, इसी तरीके से काम होता है। यानी आपको काफी रोड खराब हो गया है, अगर रोड सही हो जाएगा तो इधर नहीं सही होगा तो आदमी आएंगे कि जाएंगे किससे, इधर भी तो सही करना है तो बाद में इधर हो लेकिन रोड तो पहले होना चाहिए। ये जो समस्या बनी हुई है, चलिए जा था तो बना है, इंटरलॉकिंग लगी है तो ये टूट गया है, जो बीच में देख रहे हैं जलस गया है नीचे, साइड से जैसे टाली ट्रैक्टर इस पे आया तो साइड से जैसे गिर गया है। ये कौन से जल निगम के लोग जो है खुदाई किए हैं? जी आप देख लें आके, यहाँ पे आगे आगे देख लीजिए, बीच से पूरा बीचों बीच खुदाई की गई है और पूरा बीचों से बीच धंस गया है। धंस गया है जी। ये कब का बना हुआ था? ये पिछले इसी साल शायद बना था, इसी साल बना था जी, उसके बाद खुदाई हुई थी। महीने बाद ही बना था, अब डेट तो हमको नहीं पता, 3-4 महीने हो गया, 5 महीने हो गया, 5 महीने का बना हुआ था जी, जिससे रोड जो है देखा जाए कहीं कहीं ढह गया है जी। तो बारिश की वजह से गिरा है कि ये जल निगम द्वारा ही गिराया गया है? आप देख लीजिए कैसे गिरा है, जो ये जल निगम वाले खुदाई किए हैं तो बारिश हुई है तो बीच में जैसे पानी लग गया है तो बीच में का नीचे धस गया है और बगल बगल का दोनों बगल ढह गया है। और भी रोड जैसे बना है तो उसमें भी जल निगम वाले खुदाई किए हैं, जाके उनकी दुर्दशा देखिए क्या हो गया है, जिसमें नहीं खुदाई हुई है उसका जाके दशा देखिए, उधर नहीं खुदाई हुई है वहां पे कितना अच्छा है, इस पे खुदाई हुई है फिर उस वाले पे खुदाई हुई है फिर गांव में खुदाई हुई है, वो दोनों कहना है कि जो बारिश के पानी से टूट गया है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीणों का कहना सही है क्योंकि ग्रामीणों को आना है जाना है और उनको तो ये पता नहीं कि कैसे क्या हुआ है, कैसे बढ़ रहा है, कैसे भुगतान हो रहा है, कैसे कौन बनवाएगा, हमने बनवाया फिर दोबारा हमको बनवाना है, अब दोबारा जो जो बनवाएंगे उसका तो अपने पास ही से पैसा लगाना है, ग्रामीणों का कहना तो सत्य है।